بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic, Introduction to Programming. आज इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू लेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है और वाई प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है. ये जो प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ है ना, ठीक है, ये प्रोग्राम से निकला है, क्लियर. और प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक. फॉर एग्जाम्पल ये एक इंस्ट्रक्शन है, सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद. सी आउट की स्टेटमेंट जो इंस्ट्रक्शन होती है, ये क्या करती है, स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करती है. तो पाकिस्तान जिंदाबाद इसके अंदर लिखा हुआ है ना, तो स्क्रीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से, ठीक है. बिल्कुल इसी तरह हम इसमें एक इंस्ट्रक्शन और ऐड करते हैं, वो क्या, सी आउट आई लव पाकिस्तान. अब आप देख सकते हैं इसमें दो इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, एक पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले करेगी, एक आई लव पाकिस्तान स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी. तो क्या हुआ, टू इंस्ट्रक्शंस का एक सेट हो गया. हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्क्रीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और आई लव पाकिस्तान डिस्प्ले करता है, क्लियर. तो फाइनली अगर कंक्लूड करें तो प्रोग्राम क्या होता है, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जब होती है ना तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, क्लियर. अच्छा, आप दूसरी बात यह है कि वाई प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग हम करते क्यों हैं, प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करें हमारे पास दो बंदे थे, ठीक है, एक बंदा जिसको उर्दू आती है, उर्दू स्पीकिंग है, इसको इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज नहीं आती. इसी तरह एक और बंदा है जिसको इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती, कोई और लैंग्वेज नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग है. और एक हमारे पास कंप्यूटर है. अच्छा, मैंने इन तीनों से एक टास्क परफॉर्म करवाना है. वो टास्क क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान बोलूँ ना तो ये आगे से बोलें जिंदाबाद, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, इस बंदे के पास आऊँगा, उर्दू स्पीकिंग वाले के पास, इसको कहूँगा, मेरे भाई मेरी बात सुन, तेरा ये काम है कि जब मैं पाकिस्तान बोलूँ तो तूने आगे से बोलना है जिंदाबाद, ठीक. फिर मैं इस बंदे के पास आता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग के पास, इसको भी मैं उर्दू में कहता हूँ कि मेरे भाई बात सुन, जब मैं पाकिस्तान कहूँगा तो तूने आगे से जिंदाबाद बोलना है. फिर मैं इसके पास आऊँगा, कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर होगा, मैं इसको कहूँगा, कंप्यूटर मेरी बात सुन, मैं जब कहूँगा ना पाकिस्तान तो तूने आगे से कहना है जिंदाबाद, ठीक. उसके बाद मैं जब इसके पास आऊँगा वापस, अब मैं बोलूँगा ना पाकिस्तान, ये आगे से बोलेगा जिंदाबाद, ये तो मेरा काम सही कर रहा होगा. फिर जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग वाले बंदे के पास आऊँगा, इसको मैं आके कहूँगा पाकिस्तान, ये आगे से कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है. फिर कंप्यूटर के पास जाऊंगा, कंप्यूटर पे जाके पास मैं बोलूंगा पाकिस्तान, ये भी कुछ नहीं बोलेगा. क्यों, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इस बंदे को, इसको तो इंग्लिश आती है, इसको उर्दू समझ नहीं आती. मैंने जो इसको समझाया है वो इसको उर्दू में समझाया है, इसको तो इसको पता ही नहीं चला कि मैंने करना क्या है, ठीक. इसको समझ आ गई थी, इस बंदे ने आगे से जिंदाबाद भी कहा है. क्यों, क्योंकि इसको मैंने उर्दू में समझाया और इसको उर्दू समझ भी आ जाती है. इसी तरह कंप्यूटर को मैंने उर्दू में समझाया है, इसको तो उर्दू समझ ही नहीं आती. तो फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस बंदे के पास मैं जाऊंगा दोबारा और मैं इसको इंग्लिश में समझाऊंगा, इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा, ब्रदर यू हैव टू से जिंदाबाद व्हेन आई विल से पाकिस्तान, ओके. तब जाके उसको समझ आएगी और मैं जब पाकिस्तान कहूँगा अगली दफ़ा वो कहेगा जिंदाबाद. अब ये दोनों तो काम कर रहे हैं. अब मैं कंप्यूटर के पास आऊँगा, कंप्यूटर को भी इंग्लिश में समझाता हूँ, हाय कंप्यूटर यू हैव टू से जिंदाबाद व्हेन आई विल से पाकिस्तान, ओके. फिर मैं कहूँगा, अब मैंने कंप्यूटर को उर्दू में भी समझाया है, कंप्यूटर को इंग्लिश में भी समझाया है कि पाकिस्तान कहूँगा तुमने आगे से जिंदाबाद कहना है. तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा. क्या वजह है, वजह यह है कंप्यूटर को ना तो इंग्लिश आती है ना कंप्यूटर को उर्दू आती है. तो कंप्यूटर को क्या आता है, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग आती है. कंक्लूड हम करते हैं सारी एग्जाम्पल को, वो ये कि इस बंदे को इंग्लिश आती थी, जब मैंने इसको इंग्लिश में समझाया
तब इसको पता चला है कि इसका टास्क क्या है, इसने क्या करना है। इसको उर्दू आती थी, इसको उर्दू में समझाया, इसको समझ आई इसका टास्क क्या है। इसी तरह कंप्यूटर को क्या आता है, कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज क्या, प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर से जब मैंने ये कहना है कि जब मैं कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, तुमने आगे से कहना है, तो मुझे उसको प्रोग्रामिंग में समझाना पड़ेगा, तब कंप्यूटर को समझ आएगी। अब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ कंप्यूटर की बैठ के, ठीक है, और मैं जब कहूँगा पाकिस्तान तो कंप्यूटर आगे से कहेगा जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग आती थी, मैंने उसको प्रोग्रामिंग में उसका टास्क दिया और कंप्यूटर भी अब अपना काम कर रहा है। कहने का मकसद ये है, जिस बंदे को जो लैंग्वेज आती है, हम उसको उस लैंग्वेज में जब समझाते हैं तो तब जाके उसको समझ आता है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग समझ आती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ रहेगी है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत है, उसकी अहमियत क्या है। अच्छा, हमने यही पढ़ना है ना कि जो प्रोग्रामिंग है वो इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है उसकी, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन की। सपोज करें ये कोई ह्यूमन था, ये क्या करता है, ये स्कूल भी जाता है, ठीक है, ये बैंक में भी जाता है और ये हॉस्पिटल में भी जाता है और भी काफ़ी जगह पे जाता है, ठीक। हमने सिर्फ तीन समझने के लिए तीन ही लिए हैं, हॉस्पिटल, बैंक्स और स्कूल, ठीक। तो आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि स्कूल में जो स्टूडेंट होते थे उनका सारा रिकॉर्ड पेपर पे स्कूल वाले रिकॉर्ड रखते थे, उनका रजिस्टर बनाए हुए होते थे स्कूल वालों ने कि कौन से स्टूडेंट ने फीस जमा करवाई है और कौन से स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं करवाई, ठीक। इसी तरह बैंक्स में भी होता था कि कौन से जो एम्प्लॉय है, ठीक है, कौन सा बंदा है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक, और वो जब पैसे निकलवाता था तो वो रजिस्टर पे से काट के उसकी अमाउंट कम कर देते थे कि उसका इतना बैलेंस रह गया है। वो सारा जो उन्होंने रिकॉर्ड रखा था वो पेपर पे करते थे, वो रजिस्टर्स में रखते होते थे अपने पास, ठीक। बिल्कुल इसी तरह हॉस्पिटल में उन्होंने कौन सा एक दिन में कितने पेशेंट आए हैं, कौन से डॉक्टर ने कितना कितने पेशेंट्स को चेकअप किया है, वो सारे रिकॉर्ड जो थे पेशेंट्स का हॉस्पिटल में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल वाले वो सारे रजिस्टर पे रखते थे, पेपर पे करते थे, ठीक, ठीक है। लेकिन आज अगर आप बात करते हैं स्कूल में, ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्कूल वालों ने सारा कंप्यूटर के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। बैंक्स में जाते हैं तो उधर काउंटर लगे होते हैं, अगर आपने कैश जमा कराना है तो वो जो काउंटर वाला होता है कैशियर, वो कंप्यूटर से एकदम एंट्री मारता है, कुछ कंप्यूटर पे लिखता है, ठीक है, और आपके अकाउंट में से आपको पैसे निकाल के दे देता है वहीं से, कंप्यूटर से जो कुछ भी करता है, ठीक। इसी तरह हॉस्पिटल में भी कोई एंट्री होती है तो वो क्या काम करते हैं, उधर पेशेंट की डिटेल्स लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर और जो उनसा है वो सेव हो जाते हैं। यानी कि वही काम जो ये रजिस्टर से करते थे, पेपर पे करते थे, वो काम अब कंप्यूटर पे हो रहा है। इसी तरह बैंक वाले भी जो रजिस्टर पे काम करते थे वो किस पे हो रहा है, कंप्यूटर में। बिल्कुल इसी तरह हॉस्पिटल में जो वो काम करते थे रजिस्टर्स में, वो किस में हो रहा है सारा काम, वो सारा काम कंप्यूटर में हो रहा है अब, ठीक है, समझ आ गई। तो ये लोग जो उनसे आप सारे बैंकर हो गया, स्कूल में हो गए, स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में, इस तरह काफ़ी सारी और डिपार्टमेंट हो सकते हैं जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया है, ठीक। ये पेपर वर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अपना सारा डाटा हम कंप्यूटर के ऊपर सेव करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ पूरी कंप्यूटर पे डिपेंड करती है, ठीक। तो ये लोग तो सारे कंप्यूटर से काम करते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये जो कंप्यूटर के अंदर से ये जिस तरह काम करते हैं, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, क्लियर। सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ऊपर ये अपना काम करते हैं। स्कूल के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, बैंक के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, हॉस्पिटल के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, इस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो उनसे होते हैं ये भी तो किसी बंदे ने बनाए होते हैं ना, जिससे वो रजिस्टर की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, पेपर पे काम उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब कंप्यूटर यूज़ हो रहा है एज ए दैट रजिस्टर, पेपर पे जो काम करते थे, ठीक। और दूसरी बात, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर्स के किस तरह बनते हैं, सॉफ्टवेयर्स प्रोग्रामिंग से बनते हैं, सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे प्रोग्रामिंग होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग की, कि इंसान की ज़िंदगी जो है कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं सॉफ्टवेयर्स, और सॉफ्टवेयर्स किससे बनते हैं, वो प्रोग्रामिंग से बनते हैं। जब प्रोग्रामिंग नहीं होगी सॉफ्टवेयर्स नहीं बनेंगे, सॉफ्टवेयर्स नहीं बनेंगे तो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जब कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो वो रजिस्टर्स
के यूज़ करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंस थी प्रोग्रामिंग की कि विदाउट प्रोग्रामर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। फर्दर मोर अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग होती है। अब सॉफ्टवेयर्स किस तरह के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आप वेबसाइट्स देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर, इनके पीछे प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। मोबाइल के अंदर आप गेम्स खेलते हैं, इनके पीछे प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, ठीक है। ये जो कैलकुलेटर बना हुआ है इसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इनके बैक एंड पे, इनके पीछे किसी बंदे ने प्रोग्रामिंग की होती है। तो आप भी अब प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं, जब आप प्रोग्रामिंग सीख लेंगे इस तरह के, आप भी लोगों के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी बैंक के लिए, या किसी हॉस्पिटल के लिए, या किसी शॉप के लिए, या किसी भी बंदे की रिक्वायरमेंट कोई नई खुलेगी, वो उसने नई कोई कंपनी खोली है, आप उसके लिए वेबसाइट बनाएंगे। तो ये प्रोग्रामिंग जब आप सीख लेंगे तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, फिर आप एक प्रोग्रामर बन जाएंगे। तो ये थी प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस। मैंने ये फील किया कि प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है, जिससे आप पढ़ने लगे हैं आपको ये पता हो कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकअल्लाह।